धरती माँ जे गो माता गूंज रहा है मंत्र महान। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्वानंद गो विज्ञान पर। दोस्तों आज का वीडियो काफी महत्वपूर्ण है और आज हम लोग बड़े साइज का राउंड शेप में दिया बनाने जा रहे हैं। दोस्तों ये दिया किस काम आने वाला है इसके बारे में आपको बताना जरूरी समझता हूँ। ये जो दीपक है ये इस प्रकार का दीपक हम लोग बनाने वाले हैं। यह आप नदी में प्रवाहित कर सकते हैं, जैसे यमुना जी में, गंगा जी में, नर्मदा जी में हम लोग दीपक प्रवाहित करते हैं। इसमें आप घी की बाती लगाकर आप इसको नदी में प्रवाहित कर सकते हैं। एक तो हम लोगों का ये फायदा, ये इसका उपयोग हो गया। दूसरा, इसको फ्लोटिंग दिया के रूप में आप घर में एक बड़े से परात में पानी रखकर उसके ऊपर इस दिया को रख सकते हैं। ये फ्लोटिंग दिया के जैसा पानी के ऊपर तैरता है। तीसरा उसका उपयोग दोस्तों यह है कि हम लोग घरों में बलिवेश यज्ञ करते हैं या अग्निहोत्र करते हैं, तो इन दीपकों में आप आहुति डाल सकते हैं। जैसे अग्निहोत्र में हम लोग दो आहुतियां डालते हैं सुबह और शाम को, और बलिवेश में हम लोग पांच आहुतियां डालते हैं, तो इस दीपकों का उपयोग हम लोग आहुति डालने के लिए भी कर सकते हैं। इस प्रकार से इन दीपकों के हम लोग तीन प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। तो आगे चलिए वीडियो में देखते हैं कि किस प्रकार से हम लोग यहाँ फ्लोटिंग दिया या अग्निहोत्र करने के लिए हम लोग यह दिया किस प्रकार से बना सकते हैं। आगे बढ़ने से आया है, यह मोल्ड काफी हैवी है दोस्तों, काफी मजबूत है, और इसके ऊपर हमारा स्वानंद गो विज्ञान हमारी संस्था का नाम लिखा हुआ है। हमारे जितने भी मोल्ड है इनके ऊपर, सबके ऊपर आपको स्वानंद गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र नागपुर और हमारे सारे मोबाइल नंबर आपको देखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों डुप्लीकेट मोल्ड से आप सावधान रहिए, बहुत सारे लोग जो है हमारे मोल्ड्स की कॉपी कर रहे हैं, एल्यूमिनियम के बना रहे हैं और भी फाइबर के मोल्ड्स बना रहे हैं, और उसके ऊपर आपको स्वानंद गो विज्ञान लिखा हुआ नहीं दिखेगा, जबकि ये हमारे सारे के सारे मोल्ड कॉपीराइटेड है, डिजाइन रजिस्ट्रेशन हम लोगों ने किया हुआ है, और सारे मोल्ड के ऊपर जो ओरिजिनल है इनके ऊपर आपको स्वानंद गो विज्ञान नागपुर और हमारा मोबाइल नंबर देखने को मिलेगा। तो इन ऐसे लोगों से सावधान रहिए, क्योंकि इन मोल्ड्स को डिजाइन करने के लिए काफी मेहनत लगती है और काफी रिसर्च करते हैं, काफी पैसा भी लगता है। तो देखिए वीडियो में किस प्रकार से हम लोग इन दीपकों को बना सकते हैं। मिलते हैं ऐसे नेडी व्यू के साथ में बहुत जल्दी, तब तक के लिए जय गो माता, जय गोपाल, जय गुरुदेव। ये मोल्ड तीन हिस्सों में बना हुआ है दोस्तों, ये बीच वाला हिस्सा, ये बॉटम कैप नीचे वाला हिस्सा, और ये जो है ये ऊपर वाला पंच वाला हिस्सा। तो इसमें हम लोग इस प्रकार से मसाला भर देते हैं, बाद में ये पंच वाले हिस्से के से इसको दबाते हैं, और दबाने के बाद में इसमें डिजाइन आ जाती है पूरी, और फिर नीचे से इसको प्रेस करके हम लोग ऐसे निकाल लेते हैं। तो इतना आसान है इस मोल्ड से दीपक बनाना। दीदी कोई तकलीफ तो नहीं हुई दिया बनाने में आपको? नहीं, अच्छे से बन गया ना? हाँ। ये देखिए कितना सुंदर दिया अभी इन्होंने बनाया। ये है दोस्तों ये मोल्ड, और ये मोल्ड काफी मजबूत है, काफी भारी है, यानी ये देख सकते हैं आप ये मोल्ड कितना मजबूत है और भारी है। जो पुराने मोल्ड थे उससे इसका वजन दो गुना वेट है, और साइज भी काफी बड़ा है। आर्टिकल के साथ में दीपक भी बनाए हुए, ये इसी मोल्ड से बनाए हुए हैं, ये बहुत ही सुंदर दीपक है दोस्तों। और ये अभी हम लोग यहाँ पर पश्चिम बंगाल में है, 100 के आसपास बहने हर जिले से यहाँ पर आई है ट्रेनिंग के लिए, देखते हैं। हाँ दीदी कैसे बना ये दिया आपका, बना अच्छा से? वो दिया दिखाइए, दीपक दिखाइए। हाँ वो लक्ष्मी जी गणेश जी वगैरह बनाया आप। दिया बनाने में कोई दिक्कत तो नहीं हुआ? आसानी से बन गया? अरे वाह, चलिए बहुत बढ़िया। और भी ग्रुप में देखते हैं कि कौन कौन दिए बना रहे हैं। ये देखिए अभी इन्होंने तुरंत निकाला दिया। कैसा बना दीदी दिया? देखिए कितना सुंदर दिया बना। अच्छा आराम से बन गया, कोई तकलीफ तो नहीं हुई? ये थोड़ा लैंग्वेज का प्रॉब्लम है यहाँ पर। यहाँ पर ये बड़े साइज के दीपक हम लोगों ने बनाए मोल्ड से, लक्ष्मी जी के चरण, ये छोटे दीपक, और डिजाइनर दिए वहाँ सूख रहे हैं, और ये बड़े साइज का दीपक है जो हम लोगों ने अभी इसका नया मोल्ड बनाया है 6 महीने पहले, उसको अभी तक वीडियो नहीं बनाया। तो आप लोगों ने जैसे अभी दीपक वगैरह बनाए, कुछ दीदी तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं, सब अच्छे से बन गया आराम से? अच्छा, और बाकी आर्टिकल बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है? कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है ना? हाँ दीदी देखिए यहाँ पर पूरे पश्चिम बंगाल से कम हर जिले से लोग आए हुए हैं, 100 के आसपास बहने यहाँ ट्रेनिंग के लिए आए हैं। कैसा लगा आपको यहाँ बनाने? अच्छा लगा ना? तो अगर आपको यहाँ वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कीजिए, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस करिए, ताकि आपको हमारे चैनल से जुड़े हुए अपडेट्स है वो मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं ऐसे नए वीडियो के साथ में बहुत जल्दी। जय गो माता, जय गोपाल, जय गुरुदेव।